ये हमने किट बनाई है जो कि स्कूल में रिंगिंग बेल की तरह यूज हो सकता है, यानी जो पीरियोडिक बेल्स जो स्कूल में बजती हैं उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये जो भी इसमें 4 पीरियड्स के को हम सेट कर सकते हैं, यानी 4 पार्टिकुलर टाइम जिस टाइम पे स्कूल बेल बजनी है उसको हम इस सर्किट में, इस डिवाइस में सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम चलाना चाहें तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट टाइम है 00 है। करेंट टाइम मान लीजिए हमने 00 मीन्स ये रात के 12:00 पे है। इसको कोई भी करेंट टाइम हम सेट कर सकते हैं इन दोनों स्विचेस को यूज़ करके, जिससे इससे हम मिनट सेट करते हैं, इससे आवर सेट करते हैं। उसके बाद इसको हम प्रेस करके फर्स्ट ऑन टाइम यानी पहले बेल को बजने का टाइम है, मान लीजिए हमने 1 मिनट पे सेट किया, दूसरे को हमने 2 मिनट पे सेट किया, उसके बाद 3 मिनट पे, और फिर चौथे को 4 मिनट पे सेट किया। तो ये सारे सेट करने के बाद ये उस पार्टिकुलर टाइम पे ये चारों बेल अपने आप बजेंगी। इसमें करंट टाइम हम जो भी है हमारी करंट टाइम उसको सेट कर सकते हैं। इसमें हमने डेमोंस्ट्रेशन के लिए अभी 00 टाइम सेट किया है। इसको आप हमारी वेबसाइट kidschool.com से ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये कंप्लीट किट मिल जाएगा। अगर आपको खुद असेंबल करके बनाना है तो वो भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, सेल्फ असेंबली किट। उसमें आपको इसके सारे पार्ट्स और PCB और प्लस प्री प्रोग्राम्ड माइक्रोकंट्रोलर भी मिल जाएगा, साथ में जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है इसको बनाने के लिए वो सब मिल जाएंगे, जिसको आप काफ़ी इजीली बना सकते हैं। अभी हम वेट करेंगे टाइम, पर्टिकुलर टाइम होने का, उस टाइम पे इसमें बजर बीप करेगा। ये आपने देखा, ये 2 बार बेल बजी। उसी तरह जब फिर से 2 मिनट होगा तो दूसरी बेल बजेगी, तीसरी, चौथी, इस तरह से ये हमारी सर्किट वर्क करेगी। इस किट को बनाने के लिए एक PCB प्लस ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं इन सबकी रिक्वायरमेंट होगी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से पावर सप्लाई हमने इनपुट दी है, यानी जो भी पावर DC या AC पावर 12 वोल्ट के अराउंड हम यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे स्विच लगा हमने जिससे हम पावर सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से हम पावर सप्लाई को रेक्टिफाई करके DC में कन्वर्ट करेंगे अगर AC इनपुट है, अदरवाइज ये बाईपास कर देगा सही पोलैरिटी के साथ। और ये कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफेराड का, जो कि पल्सेटिंग DC को प्योर DC में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये रेगुलेटर 7805 IC लगी है, जो कि पावर सप्लाई को 5 वोल्ट में रेगुलेट करता है, यानी इसके आउटपुट पे 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई आएगी, जिससे हमारे ये सारे कॉम्पोनेंट्स वर्क करते हैं। इसमें माइक्रोकंट्रोलर लगा है 8 मेगा 3 to 8। यहाँ पे रियल टाइम क्लॉक IC लगी है, RTC IC PCF8583, जो कि टाइम को स्टोर करके रखती है करंट टाइम को, यानी जो भी हम टाइमिंग सेट कर रखेंगे कर देंगे करंट टाइम, उसके बाद ये क्लॉक की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे एक डिस्प्ले डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले हमने लगाया जिस पे करंट टाइम शो होगा, और यहाँ पे स्विचेज हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, जो भी हमें इनपुट करना है टाइम, करंट टाइम या फिर पीरियोडिक टाइम्स जो भी हैं। ये प्रीसेट लगा है जो LCD के कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रीसेट स्विच है जिससे माइक्रोकंट्रोलर को हम रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये LED लगी है जो कि पावर सप्लाई के स्टेटस को शो करेगी, और ये वाली LED शो करेगी कि माइक्रोकंट्रोलर हमारा रन कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सारे कॉम्पोनेंट्स को इस बोर्ड पर हमें कैसे लगाना है। तो ये PCB बोर्ड है हमारा, जिसपे हमें कंपोनेंट्स को लगाना है, और ये हमारा जैक है, पावर जैक, जिससे सप्लाई कनेक्ट करनी है। और इसके बाद
फिर ये स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इस पर हमें ध्यान रखना है, इसके सबसे बड़ा वाला लेग जो होता है पॉजिटिव आउटपुट, वो इस कॉर्नर पे आना चाहिए। और इसके बाद कैपेसिटर है, जिसमें बड़ा वाला लेग इसके पॉजिटिव पिन से कनेक्ट होना चाहिए। और ये रेगुलेटर आईसी जो कि पिन नंबर 1 इसका है, 1, 2, 3, तो 1 नंबर पिन जो है वो इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे हमें 2 पिन कनेक्टर लगाना है, जिससे हम बजर का ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। और इसमें पहला कंपोनेंट हम बेस लगाएंगे, जो कि कंट्रोलिंग कंपोनेंट है माइक्रोकंट्रोलर का, एटमेगा 168 या 328 जो भी हम कंट्रोलर्स में लगाएंगे उसका ये बेस है। बेस के ऊपर हम आईसी को माउंट करेंगे, तो बेस को हम पहले सोल्डर कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोलर को चलाने के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक्सटर्नल ऑसिलेटर हम लगा रहे हैं 16 मेगाहर्ट्ज़ का, और इसको स्टार्ट करने के लिए ये 2 सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं 33 पिको फराड के। और कंट्रोलर की जो रीसेट पिन है उसको इस स्विच से कनेक्ट करते हैं, इससे हम कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं। और जो इसकी रीसेट पिन होती है उसको पुल अप करके रखना होता है हमें 10 किलो ओम के एक रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे हम 10 के का रेजिस्टेंस लगा देंगे। और ये डिस्प्ले के लिए है, जिस पे एलसीडी कनेक्ट होगी, और ये वाला पोर्शन एलसीडी में सोल्डर कर लेंगे। ये बस सिर्फ फीमेल टाइप का है, यहाँ सोल्डर कर लेंगे हम। और ये मेल टाइप का, ये यहाँ पे लग जाएगी एलसीडी, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। ये एक प्रीसेट लगाना है 10 किलो ओम का, जो कि एलसीडी के कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। और ये एलईडी है, एलईडी को लगाते समय में ध्यान रखना इसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो आप देख सकते हैं एनोड जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। और 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाना है एलईडी के साथ सीरीज में। ये 4 स्विचेस हम यहाँ लगा लेंगे, जो कि सेटिंग करने के लिए यूज किए जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 पिन कनेक्टर लगा लेंगे, जिसमें से हमें सिर्फ एक पिन से आउटपुट लेना है, इधर से पहले पिन से। और उसके बाद ये RTC IC है, इसका बेस हम पहले लगाएंगे PCF8583 रियल टाइम क्लॉक IC, इसके ऊपर हम इस IC को लगा लेंगे। इस IC के लिए भी एक क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसमें हमें लगाना है। ये 32 किलोहर्ट्ज का ऑसिलेटर है, जो कि हमें यहाँ लगाना है। इसमें आप देख सकते हैं इसके साथ 2 कैपेसिटर्स लगे हैं 22 पिको फराड के या 33 पिको फराड के, जो कि हमें यहाँ लगा लेने। और ये जम्पर वायर्स जो है जैसा इसमें आपको दिख रहा है वैसा लगाना है। एलईडी यहाँ पे हमें इसका पॉजिटिव पिन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है। और फिर ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ में यहाँ पे हमें एक डायोड लगाना है, इसमें जैसा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, आप देख सकते हैं 1K का। और एक यहाँ भी लगा लेंगे। इसके बाद 0.1 माइक्रोफराड का डिकपलिंग कैपेसिटर यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमें पावर सप्लाई चेक कर लेना है अपने सर्किट का, इसके रिस्पेक्ट में मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। कंट्रोलर के पिन नंबर 1 पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए।
तो ये सारे वोल्टेज पॉइंट्स सही हैं, तो हमारे सर्किट इसके बाद हम सारे पिंस को सारे आईसीज लगा लेंगे और एलसीडी लगा लेंगे। ये बजर को कनेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है, इसका जो पॉजिटिव है वो यहाँ से कनेक्ट होगा और जो नेगेटिव है यानी इसमें जो बड़ी वाली पिन है या प्लस भी लिखा आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव होता है यहाँ कनेक्ट होगा, नेगेटिव वाली पिन यहाँ कनेक्ट होगी और इस तरह से हमारी सर्किट कंप्लीट होगी। इसको आप हमारी वेबसाइट kitsco.com से ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये कंप्लीट किट मिल जाएगी। अगर आप चाहें खुद से बनाना तो सेल्फ असेंबली किट भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, उसको आप इस वीडियो के हेल्प से इजीली बना सकते हैं।